देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। एक लेसन भी है और फिल्म भी बहुत ही एंटरटेनमेंट है इसमें, नाइस फिल्म। तेजी शाह, उसको तो कौन नहीं जानता है, मिस शी इज़ वेरी गुड डांसर, शी इज़ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छी है शी इज़। ऋषि भूटानी, उनका भी एक्टिंग बहुत अच्छा है एंड फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है। गाने आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे गाने, और हर गाने का शेड डिफरेंट है, अलग अलग शेड्स है एंड फैंटास्टिक। मिलेंगे, गाने भी बहुत बढ़िया बने हैं और यहाँ से आपको कुछ सीखने भी मिलेगा। और जो राजपाल यादव जी का जो भी काम बना है बहुत बढ़िया बना है, और कम से कम आपको एक बार तो ये मूवी देखनी चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ राम रतन फिल्म देखने के लिए आया हूँ और बहुत अच्छी फिल्म है, पूरी फिल्म देखी मैंने, बहुत शानदार फिल्म है। फिल्म का जो संगीत है बहुत अच्छा है, बप्पी दा ने बहुत दिन बाद अपने आप को स्क्रीन पर दिखाया है और बहुत शानदार गाने हैं, और फिल्म में जितना खर्चा किया गया बहुत अच्छा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिन बाद फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत अच्छी म्यूजिकल फिल्म आई है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इन्जॉय करें। नाम दिव्या सिंह है, मैंने मूवी देखी राम रतन, बहुत ही अल्टीमेट मूवी है, मैं तो कहती हूँ आप लोगों को भी देखना चाहिए जाके। उसके गाने सुपर हिट है, सुपर है, अल्टीमेट सॉन्ग्स हैं। सॉरी, खास बात ये है कि जस्ट लाइक जो मैसेज दिया है, सॉरी अगर आपको बुरा लगे, आज वो बॉयज़ का जो होता है ना कि शादी के बाद हस्बैंड बिगड़ जाते हैं, बट एक था ना जो स्त्री शक्ति, वो चीज़ बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया, और मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज़ को देख के कि उन्होंने एक कॉमेडी वे में बहुत अच्छा मैसेज दिया इस चीज़ का। सॉरी, वो तो मैं उनकी फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी लगी। और ऋषि भूटानी हीरो, हाँ वो भी अच्छी है। सतीश कौशिक का राजपाल करेंगे, आपको पता है वो तो ऑल टाइम हिट ही हैं और हमेशा रहेंगे, वो जब तक है तब तक हिट ही रहेंगे। फिल्म मुझे अच्छी लगी और बेसिकली कॉमेडी बहुत अच्छी है, कॉमिक टाइमिंग जो अपने हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और फिल्म एक बंधी हुई है, मतलब आप कनेक्ट रहते हैं ऑडियंस उससे, तो ऑल ओवर मतलब सारे आर्टिस्ट का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमारे कुछ दोस्त भी हैं उसमें तो, और उन्हें देखकर अब बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा काम है। और ये देखिए कि फन के साथ साथ उसमें सीरियसनेस भी थी, सारे इमोशंस भी थे, और स्टोरी कनेक्ट करती है आपके साथ। जो पिक्चर का नाम है सर, बहुत अच्छी पिक्चर थी, फैबुलस, फैंटास्टिक और सुपर एक्सीलेंट गॉर्जियस सर, इतनी मस्त पिक्चर थी ना सर, मैं देख के समय खुश हो गया। और ऑडियंस से मैं ये विनती करूँगा सर कि ये पिक्चर आप लोग को भी एक बार देखना चाहिए एक बार, और ये सिनेमा थिएटरों में नहीं सर, ये पब्लिकों का दिल जीत लेगा। और खास करके सर इसके गाने तो सर इतने लाजवाब है कि सर पूछिए मत सर, और थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए।